हसन हसन साहब, आप इस टॉपिक पर बात हाँ करना चाहते हैं? जी, मजा आया। बिल्कुल करना चाहते हैं। कैसे हैं साहिल? कैसे हैं अरुण? ठीक है सारे? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक जी। मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। आदम, आपने आज दो अहादीस को कोट किया है, एक तो जो ये सामने खुली हुई है, और इससे पहले आपने एक हदीस कोट की थी और फिर करेक्टर असैसिनेट किया था। इज इट ओके अगर आप वो हदीस को फिर से जरा डिस्कस कर सकें? कौन सी वाली जिसमें मोहम्मद ने एक बंदे को कहा था कि मैं मुझे इस बंदे का वो मुझे इस बंदे का ले 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 ये सर वो आ गई। नहीं जिसमें सर, से वो खून वाला जो पार्ट था, आपने कहा था कि खून उसमें वाला से पार्ट निकाल दिया जयीफ है, गया खून वाला पार्ट जयीफ है, उसको हम नहीं लेंगे। है। बाकी के सही ओके, जात में से है, ठीक है। इब्ने माजा और मुस्नद और हबान, इनको सही में कहा है। बिल्कुल बहकी ने भी बिल्कुल इसको सही में कहा है। जी, बिल्कुल, मान लिया अगर ये इसको। लड़की होती, अगर ये लड़की होती तो मैं इसको बड़ा ये करता और वो करता और फलाना ठीक है, टमकाना। मैं आपके आपका पॉइंट अभी रिकॉर्ड पे आ गया। क्या है, अगर ये लड़की होती तो जी मैं इनके साथ फलाना ढिमकाना सब करता। आप जरा जी ट्रांसलेशन पे आ जाएं इसको, प्लीज। अगर उसामा लड़की होता, अगर ये स्लेव गर्ल आप होता, वही ठीक है, अगर मैं आप ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जो ट्रांसलेशन पे हाईलाइट किया दो, हुआ है उसको, मैं उसको जो मैं हाईलाइट किया हुआ आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट की कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन पे, इंग्लिश की ट्रांसलेशन पे आ जाना। जी सर, वही बता रहा हूँ जो हाईलाइट किया हुआ है। इफ आपने उसामा इंग्लिश की हैज, ट्रांसलेशन भी शो की थी, मुझे नजर नहीं आ रही एक्चुअली ट्रांसलेशन इंग्लिश की। कैन यू प्लीज कीप क्वाइट, गो अहेड। थैंक यू। ये जो मैंने हाईलाइट पार्ट किया है, इसका ट्रांसलेशन ये बनता है, इफ उसामा वाज अ स्लेव गर्ल, अगर ये एक लोंडी होता। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ओके शट अप, वेट, कंट्रोल सी, देखिए, शटअप शटअप ना कहें, मैं तो आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा ना। मैं शट तो अप एंड आपसे, लिसन। व्हाट, देयर यू गो, इफ उसामा हैड बीन अ स्लेव गर्ल, आई वुड हैव नो, अडोर्ड हर एंड आई टोल्ड हर। इफ उसामा हैड अ स्लेव गर्ल, आई वुड हाँ, हैव अडोर्ड हर एंड अडोर्ड अच्छा, हर सो दैट आई कुड स्पेंड हर। ओके 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 ओके। सो आप कह रहे हैं कि उसामा के पास अगर स्लेव लड़की होती, राइट? मैं नहीं कह रहा, ये हदीस जो आप कोट कर रहे हैं वो कह बेहतरीन। रही। अब अगर ये वाली ट्रांसलेशन इस चीज की दुनिया का कोई भी स्कॉलर कर देता है ना, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये ले जाएं, लेके आपने आए, खुद नीचे इंग्लिश आपने खुद लेके आए, नीचे लेके आए, इंग्लिश में लेके आए, लेके ट्रांसलेशन आए, लिखी। स्कॉलर लेके आए, स्कॉलर आपने लेके खुद आए। नीचे आपने आपने अरे नीचे खुद भाई, ट्रांसलेशन स्कॉलर की। लेके आए भाई, सिंपल सी बात है। आपसे आप देखें, आदम, आपकी बात मैंने इंग्लिश में देखी और मेरे पास वो स्क्रीन पे, ऐसी बात है, आपकी स्ट्रीम में रिकॉर्डेड भी, आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन शो की और इंग्लिश में पढ़ा भी। देखें, बात आप सुनिए, वो अभी क्यों नहीं पढ़ रहे? ये आपके पास है, ये असल में सही ट्रांसलेशन है जो कि उन्होंने आपके स्कॉलर ने किया, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन अक्सर गलती कर देता है। इफ उसामा वर अ स्लेव गर्ल, कैन यू प्लीज शट अप एंड लिसन, इफ उसामा वर अ स्लेव गर्ल, आई वुड हैव एडोर्नड हिम एंड ड्रेस्ड हिम अनटिल ही हैड बीन मैरिड ऑफ। ये इसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये सेम, ठीक है, देखिए, जो इसके अरबिक मायने ठीक है। है ना, अगर हम ये इसके इसको, मायने मैं आपको बताऊं। अगर हम इसको इफ क्लियर कर उसामा दें, हैड अ स्लेव गर्ल, लव काना असामहू जारियतुन। इफ उसामा हैड अ स्लेव गर्ल, तो मैं उसको सजाता उस वक्त तक जब तक ये उसको आप उसके ऊपर एक अपने आप एक को यूज ना कर एक लेता। अरबी स्पीकर ले आए जो कहे आपकी इस बात को। आपने जो पहले ट्रांसलेशन जो गूगल ट्रांसलेटर पे लगा के जी जी मुकदमा बनाया, मैं वही आप बता रहा उसी हूँ, ये देखिए ट्रांसलेशन को देखिए अब आप देखिए, बदल रहे गूगल हैं। ट्रांसलेटर ने इसको इसी तरीके से किया, ये जो मैंने आपका भी कॉपी पेस्ट किया। इफ उसामा वर अ स्लेव गर्ल, आई वुड हैव अडॉर्न्ड हिम एंड ना, क्लोथ्ड हिम सो दैट ही अभी कुड हैव अभी अभी आया था, तो सेक्स विद सामा हैड अ सेफ गर्ल, जी, आपने क्योंकि जो वो पहले खोली गूगल है। ने गलत ट्रांसलेट की है, जेर जबर पेश नहीं थी उसमें, इस अरे वजह से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे है। आप कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ले आए, मैं उससे बात करने को तैयार हूँ जो कि सर, अरबी को गलत ट्रांसलेट कर रहा मैं अरबी जानता हूँ। मैं दुबई में रहता हूँ, मुझे 40 साल डोंट हो गए। केयर कि तुम कितने को दुबई में जाते हो, यू आप यहाँ पे गलत गलत जो बयानी लिखा कर रहे हुआ हैं। है। आप गूगल ट्रांसलेटर पहले यूज करके लोगों को गलत बयानी से उसका आप मफहूम बताते हैं, सर और फिर जब मैं आपको तो कोई गलत बयानी कॉन्फ्लिक्ट बता रहा करता हूँ, है, आप जाके आप गूगल गलत करें। बयानी कर रहे हैं। आप हिप्योक्रेसी से आप काम ले रहे हैं, और आप जो ये दूसरी हदीस, चले छोड़े इसको, जो छोड़े ना, मुझे डिस्कस नहीं करना। आप इसको इसको भी देखिए, सेकेंडरी में आ जाते हैं आप पुट्ठी बात कर इसके। रहे हैं। ये देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे ये सहीहात में क्या है, ये है, ये लो पकड़ो, आप यहां से और उठाएं, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर करें। ये लो, क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं आप भाई? क्या लिखा हुआ है, मैं आपको अभी इसकी क्या लिखा ट्रांसलेशन हुआ है, ट्रांसलेशन निकाल क्या के लिखा देता हूँ। हुआ है, मैं क्या अभी अभी आपको इसकी ट्रांसलेशन निकाल के भेजता हूँ। लिखा हुआ नहीं, है, आपको पढ़े, क्या अभी लिखा हुआ है मैं सर। अभी सेंड कर रहा हूँ, अभी अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। وكان मैं أسامة भेजता جريئا हूँ, حليته मैं وكسوته حتى أنفقه. सुने
क्या लिखा हुआ है? लो कैन उसमा तो उसामा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपकी स्ट्रीम है, आपने जो ट्रांसलेशन खोली उसको क्यों नहीं शो कर रहे? आपने जो नीचे लिखी हुई है उसको क्यों नहीं शो कर रहे? जो इंग्लिश में इसको छोड़े, जो आपने लिखी हुई है, आपने जो पहले दिखाई थी वो क्यों नहीं खोल रहे इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आपने अभी से दो घंटा? ये देखे जिसको सही हाथ में लिया है, जिसको सही हाथ में लिया उसको स्क्रॉल करें, इसको लिया है, इसको स्क्रॉल करें नीचे, ट्रांसलेशन में गए, ट्रांसलेशन डॉट गूगल में गए, ये देखें, पकड़ें क्या आपसे, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? आप क्या बात सुन रहे हैं? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? आपकी स्ट्रीम से, आपकी स्ट्रीम से आपने इसी की इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाली थी, आप उस पे नहीं आ रहे वापस लौट कर? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर जेर जबर पेश में कोई गलती हो जाती है ना तो आपका वर और वाज एंड इज चेंज हो जाता है, दिस इज हाउ इट इज। हैड, हैड इज डिफरेंट। ओके, उनके पास अगर कोई, अगर उनके पास कोई लौंडिया होती तो ओके चले तो वो उनको नहीं कहा गया कि वो अगर अगर वो लॉन्डी होते तो। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से कोई इस्लामिक स्कॉलर ले आए, मैं उसके साथ भी बात करने को। सर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो आप ही की स्क्रीन को पीछे से करके रिकॉर्ड आपको भेज देता हूं। आपने ट्रांसलेशन शो की थी, मैं आपको कहता हूं कि जो मोहम्मद गेइज्म कर रहे हैं उनके बारे में बता दें। चलिए छोड़ दें इसके ऊपर, हमारा खिलाफ हो गया। चलिए आप खिलाफ हो गए, ठीक। ट्रांसलेशन आप करेंगे, मैं पढ़ूं? अब आप कर लें सर, इसकी ट्रांसलेशन है आपके पास इंग्लिश की? अब आप करें सर, जल्दी से पहले करें। मैं आपसे यही अर्ज कर, मुझे एक बात ये बताएं, ये अभी अभी सारी मेरे पास, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे सामने खुली हुई है। क्या लिखा हुआ? आप जेइज्म प्रूफ करें, चले जेइज्म प्रूफ करें। मोहम्मद जो है वो किसी बंदे को पीछे से आके पकड़ रहा है और okay, वो मैं अपने बड़े भाई को भी पकड़ता हूँ, छोटे भाई को भी पकड़ता हूँ पीछे से आके प्यार से, इसमें क्या मुश्किल वाली बात? और वो उसके बड़े भाई और छोटे भाई की बात नहीं हो रही, तीसरे बंदे की बात हो रही है। भाई उनके उनके स्वाब है, उनके कंपेनियन है, उनके कंपेनियन है, वो अपने कंपेनियन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जेइज्म प्रूफ करें, बेहतरीन हो, खत्म, टाटा बाय बाय। जेइज्म प्रूफ करें ना, खत्म हो गया सर। आप जेइज्म प्रूफ करें इस हदीस से, हो गया? नहीं नहीं, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लोगों को डिसाइड करने दें। किसी को भी पीछे से आकर पकड़ लेना, वो गेम ट्रांसलेशन, आप सिर्फ इसका ट्रांसलेशन करते हैं, लोगों को प्रूफ करने दें कि गेइज्म है कि नहीं है। आप ट्रांसलेशन करें, ओ भाई 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 ओ भाई, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। ए भाई भाई का खेल है ना, हमने भी खेला है, ठीक है, किसी को पीछे पकड़ लेना कौन हूं मैं, लेकिन कोई भी केस में ऐसा नहीं होता है कि आपका दोस्त आके पीछे से आपको पूरा चिटक जाएगा। सर कहाँ, किधर लिखा हुआ कि पूरा चिटक गया है? सर एक मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने दें, साहिल भाई मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, आप भी सुनिएगा। चले यहाँ से पढ़ना शुरू करें, नहीं नहीं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे, आप पर भी आती है ना ट्रांसलेशन, मैं आपको पढ़ के दे रहा हूँ ना, बाकी आपकी आपकी ऑडियंस भी तो बैठी है ना, आपकी ऑडियंस भी बैठी है ना, आपकी ऑडियंस भी बैठी है ना। हसन हसन हसन, मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं नहीं हाईलाइट आपने अपना, आपने अपना मौकफ रख दिया, आपने अपना मौकफ रख दिया, मैं अपना मौकफ रख रहा हूँ। हसन हसन, ये मैंने क्रिएट किया, मुझे क्लियर करने देना, मैं आपको ट्रांसलेशन करके दे रहा हूं। हम सेंटेंस बाय सेंटेंस चलेंगे, आपके सामने मैंने हाईलाइट किया, आई एम गिविंग यू द कंप्लीट हदीस ट्रांसलेशन राइट सर। क्या एडम भाई स्टार्टिंग यू अलाउ करने दे, आपने हदीस कर दिया, आप जल्दी से जरा ये जो मैंने सेंटेंस रखा है हाईलाइट, इसको प्लीज ट्रांसलेट करें सर, आप तो अरबी जानते हैं प्लीज। मैं अभी आपको, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना, मैं नहीं, आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप पढ़ के कहाँ से बता रहे हैं यार? मालूम है क्या मैं आपको बता रहा हूँ एडम, एडम मैं आपको एक बात बताऊँ ऑन ह्यूमन लेवल यार मेरे भाई, ये मजेदार बात नहीं है। इफ आपने अपना केस रखा है कि जी इस हदीस को डिस्कस करें, मैं आपसे ये हदीस डिस्कस करूंगा, आप बिल्कुल करिएगा, मैं आपको डिस्कस करने दूंगा, पहले इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट कर दें प्लीज। मैं आपको पूरी सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या, पूरी हदीस की ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, बेहतरीन, लेकिन मुझे सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट चाहिए पहले। देयर वाज अ बेडुइन मैन कॉल्ड ज़ाहिर, ना 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 ना,
मुझे जाहिर के ऊपर बात नहीं करनी, मैंने आपको बैक स्टेज किया इस वक्त, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। आपने कहा है कि आप 40 साल से मिडल ईस्ट में है, परफेक्ट। आप सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं, परफेक्ट। मुझे इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन चाहिए जो मैंने हाईलाइट किया, प्लीज डू दैट। ईमान की आप गलत असैसिनेशन करते हो। आपने कहा कि ये डिस्कस करो, मैं डिस्कस कर रहा हूं माय वे। हजरत इज्जत माफ, मैं आपको बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, जो मैंने हाईलाइट किया है उसको ट्रांसलेट कर दें। मैं अच्छा अल्लाह अकबर, पीछे से आके उन्होंने उसको हक कर लिया, मुझे बताएं इसमें क्या इशू है। नहीं सर, जो मैंने सेंटेंस, इसको पढ़ें और फिर मुझे ट्रांसलेट करके दें वर्ड बाय वर्ड। मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने पीछे से आके उनको हक कर लिया, इसमें क्या सर, ये मेरा मैंने मुद्दा डाला ही नहीं अभी, छोड़ दे मेरा मुद्दा। मुझे सेंटेंस जो मैंने आपको ये हाईलाइट, मैंने आपको ट्रांसलेशन करके दे दिया सर जी, मुझे छोड़ दें सर जी, आपके पास छोड़ दें। हजरत इज्जत माफ, जो मैंने सेंटेंस हाईलाइट किया इसको ट्रांसलेट कर दें। मैंने इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, आपके पास बेटर है आप करते, मैंने कर दिया ट्रांसलेट। प्लीज इस सेंटेंस का क्या मतलब है बता दें। मैंने आपको करके दे दिया ना ट्रांसलेट, स्टेटमेंट बोल, उन्होंने पीछे से आके उनको हक किया। झूठ बोल रहे हैं आप, इसका ये सेंटेंस नहीं है। दादी मैंने कर दी है ट्रांसलेशन। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे गलत प्रूव कर देना, मैं दिखाऊं ट्रांसलेशन। आप झूठ बोल रहे हैं। अरे ये देखिए आदम भाई, ये ना ये फिरकियां ना लिया करें, फिरकियां ना लिया करें, ये डिफेमेशन करना बंद करें, करेक्टर असैसिनेशन करना बंद करें। हुआ ये अभी उनका मतलब क्या है? आप रिलीजन की बात करते हैं, आप बांदियों की बात करते हैं, मैं रिलीजन असैसिनेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ यार। रिलीजन के अंदर ना आपको सेक्स स्लेव्स का वर्जिन को उठाओ, उनके बंदों को मार दो, मैं इस बात में नहीं पड़ता। हसन व हुआ ये अभी का मतलब क्या है, पहले दो वर्ड्स मैं आपसे कह चुका हूँ कि मतलब का इसका मतलब ये है। आप मुझे बताएं कि मुझे नहीं पता, आप बता दें। आप 40 साल से अरबी सीखे हुए, अभी आपने स्टेटमेंट बोला था, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। का मतलब क्या, मैंने सिंपल सवाल किया आपसे, पूछ रहा हूँ मैं आपको ट्रांसलेशन दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता हुआ यबियू का मतलब क्या है। इज इट सो डिफिकल्ट टू आंसर? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, आई एम नॉट हियर टू टेक योर मैंडेट, आई एम हियर टू डिफेंड द हदीस। एक दो वर्ड है, एक दो वर्ड है, it does not show gayism in any which manner sir, I don't care kya show karta hai wa hua yabiyu ka matlab kya hai, why don't you care yaar Adam, what are you talking about, why don't you care, aapne ye that's not the point brother, aapne ye kaha hai ki ji gayism prove hota hai is hadith se tere proof bhai wa hua yabiyu ka matlab kya, please bata de agar aap itne bade islamic scholar is nahi pata, main hu nahi, main scholar hi nahi, अरबिक भी नहीं आती आगे। ओके बेहतरीन, तो अब हम चलते हैं ना आपके साथ। सो पहली बात क्लियर हुई, आपको अरबी के अंब का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। वहुआ यबियो का मतलब है जब वो सेल कर रहा था, एंड ही सेल्स, एंड व्हेन ही वाज सेलिंग, ठीक है। ये आपने नहीं कहा, देखिये मैंने आपको इसलिए कहा लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेट करें तब हम आपके साथ चलें। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आपने ट्रांसलेट करने से भागे हैं, आपके पास ट्रांसलेशन पड़ी हुई है। सर मैं जब आपको पूरी ट्रांसलेशन दे रहा हूं, आपने सुनी? आपने मैंने आपको बैक स्टेज किया। देखिए कितनी सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन आपने किधर से भी ली है, दो लफ्ज मैंने दिखाए, हाईलाइट किया हुआ स्क्रीन पे। ये जो आप झूठ बोलते हो ना, मैं मुझे उस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है जी साहिल भाई, उसको लो जरा। भाई आपने आदम भाई, एक मिनट साहिल भाई, दिस भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, इन्होंने बात की, मैं ट्रांसलेशन, मुझे पहले ट्रांसलेशन कहते थे, फिर भाई हसन भाई थे, आप तवे पे बैठे हैं क्या यार? आप मुझे बताओ, एक बंदा तीन घंटे से आपको सुन रहा है, आपको एक मिनट हसन भाई, आप तवे पे बैठे हुए क्या साहिल भाई? अभी आप लोगों को 8000 बंदे सुन रहे हैं, आप तवे पे बैठे हैं, मेरी एक अर्ज सुनेंगे? मैं तवे पे नहीं बैठा हूँ, I'm just exhausted because हसन भाई मेरा सवाल का जवाब दे, क्या आप गरम तवे पे बैठे हुए अभी? देखिए अगर आप इसकी सिचुएशन अभी जो हुई है यही समझ ले, क्या आप एक गरम तवे पे बैठे हुए हैं अभी? नहीं नहीं ना, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बीच में ना बोले, आडम को अपनी बात रखने दे, वो चुप बैठ जाएगा, उसके बाद अपनी बात रखे, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग का सर दर्द दे रहा है भाई, आप जो बीच बीच में बार बार अच्छा, बोलते जा रहे हो साहिल, हाथ जोड़ के रुक जाओ, रुको रुको रुको,
अपनी बात उसके बाद आपकी बात के बाद मुझे बोलने दीजिएगा, फिर एडम बात करना। आपको एडम इनको पूरा मौका देना, लेकिन हसन भाई आप बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? प्लीज सर दर्द दे रहा है, एडम अपना पॉइंट रखो प्लीज। जी उन्हें दे दे, कोई मसला नहीं, उन्हें माइक दे दे। मैंने साबित कर दिया कि इनको अरबी नहीं आती, आगे चलें। अच्छा आप बीच में नहीं बोलना एडम। जी मैं नहीं बोल रहा। हसन भाई आप अपना पॉइंट रखे और एडम जब बोलेगा तो बीच में नहीं बोलना। थैंक यू। हम लोग अगर आपके 8,000 लिसनर्स हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, वो आपको एक मकसद के लिए इतने देर से सुन रहे हैं, और जब वो बात करना आते हैं तो वो उनका दिल करता है कि वो बात करें, क्योंकि आपको काफी देर से सुन रहे होते हैं। यार अभी पॉइंट पे बोलो ना यार। पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, आप इसकी ट्रांसलेशन हाँ। दे रहा हूं। देयर वाज अ बेडुइन मैन डेजर्ट ड्वेलर कॉल्ड ज़ाहिर, एंड व्हेनेवर ही विजिटेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, ही वुड ब्रिंग हिम अ गिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वो बेडुइन थे। When he intended to leave Medina, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would give him provisions from the products of the city, क्योंकि वो मदीना से थे। अरबी में सिटी को मदीना कहते हैं। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Zahir is our Bedouin and we are his city dwellers." He sallallahu alaihi wasallam liked him a lot. Zahir was not very good looking. ये refute हो रहा है, जहाँ भी कहते हैं वो बहुत good looking थी, यहाँ बिलाल का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ ज़ाहिर का जिक्र हो रहा है। The Prophet sallallahu alaihi wasallam once approached him while he was selling his merchandise. He hugged him from behind and Zahir could not see him. Zahir said, "Who is this? Let go of me." He turned and found out that it was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he straightened his back and pressed it against the chest of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet then said, "Who will buy the slave?" Zahir said, "O Messenger of Allah, you will find me no demand for me." The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "But you are not so in the sight of Allah," or he said, "But in the sight of Allah you are valuable." ye hai translation is hadith ka. Aur agar unhone apni bag Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ki chhati ke sath laga di hai, mera sawal ye hai, how does it prove gayism? Aur agar hum aaj ki 21st century ke andar aaj ki tasveerein laga kar, aaj ki animation laga kar, आप किसी की प्योर फीलिंग्स को, जो मैं अपने भाइयों के लिए रखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी रखता हूँ, दैट डज नॉट मीन आई एम गे। ठीक है, हो गया, इफ आई एम स्टडी दिस सीन, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? नहीं बोलूंगा, ठीक है। ओके एडम प्लीज गो अहेड। जी पहला इन्होंने रिफ्यूट किया कि वो गुड लुकिंग नहीं था, मुझे अरबी में यहाँ पे दिखा दे कहाँ पे लिखा वो गुड लुकिंग नहीं थे प्लीज। हसन भाई कौन सा मतन आपने जो पढ़ा जहाँ पे आपने जो बोला वो है that he was not good sir, looking. ye aap khud apni english translation khol le usko pad le, I don't care, arbi aapke samne 40 saal se aap kaun sa arbi ka matan hai, saudi arabia mein ye aapke jo audience hain ye sare arabic nahi jante hain adam, hasan ruk ja bhai adam ek minute, hasan bhai kaun se arbi ke statement se aapne ye kaha hai wo pad ke dikhaye taki hum log sabko pata chale। मेरा काम नहीं ट्रांसलेशन खोलना, एडम का क्लेम है, आप नहीं दिखा सकते, ट्रांसलेशन खोल के दिखाएं। आप वो स्टेटमेंट नहीं बता सकते अरबी का जहां से आपने बताया? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, उनका रिफ्यूट है, मैंने ट्रांसलेशन कर दी, जहां मैं गलत हूं वो बताएं कहां गलत है, हसन भाई एक सिंपल सा सवाल आपसे ये किया गया है। देखिए अगर सामने वाला जो आपसे डिबेट कर रहा है या डिस्कशन कर रहा है किसी चीज से आपसे डिसएग्री कर रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके सवाल का जवाब दे। एडम ने आपसे डिसएग्री किया है कि वहां पे कहीं नहीं लिखा दैट ही वाज नॉट अ गुड लुकिंग मैन, वो स्टेटमेंट अरबी वाला बता दे ताकि हम सबको पता चले और हम लोग वो उसका एटलीस्ट गूगल ट्रांसलेशन में देख ले कि वहां पे वो लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। कैन यू प्लीज हाईलाइट अस दैट स्टेटमेंट जो अरबी में लिखा हुआ। आपने अभी एक डिबेट का कानून सेट किया कि जब अगले बंदे को ऑब्जेक्शन होता है तो जो क्लेम कर रहा है उसको क्लेरिफाई करना है। इन्होंने जब तो ये हदीस रखी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके साथ हूँ। जब इन्होंने तो ये हदीस रखी, सर मेरी तो सुन लेना बात, आप तो बिल्कुल दूसरे स्टेप पे जा रहे हो। जब इन्होंने ये हदीस रखी, इन्होंने, मैं जाहिर सी बात है 3 घंटे से सुन रहा हूँ, मुझे ट्रांसलेशन भी पता है ये क्या बात कर रहे हैं, आई नो इट। मैंने इनको कहा कि आपने ये जो क्लेम किया ये गेइज्म शो कर रहा है, मुझे ऑब्जेक्शन है, प्रूफ करें गेइज्म। इन्होंने किया स्टेटमेंट, आप बता सकते हैं या नहीं? मेरा पहले ऑब्जेक्शन तो क्लियर करें, मैं उनके ऑब्जेक्शन करने क्लियर करने का कायल तब तक नहीं जब तक वो मेरा ऑब्जेक्शन क्लियर ना करें। एक मिनट अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, लोग जितने लोग देख रहे हैं, एडम ने डिसएग्री किया एक चीज पे,
इनसे सवाल किया कि वो स्टेटमेंट बता दे, ये बताने के लिए वो रेडी नहीं। अभी इससे ही आप लोगों को रिजल्ट पता चल जाना चाहिए। अगर मैं इनकी जगह पे होता, एक मिनट हसन भाई, डोंट डू दैट यार, आप एक समझदार, आप एक मुहज्जब इंसान है। मैंने आपको कभी भी मालूम है इस तरह की बातें करते नहीं देखा, लेकिन दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अफसोस होता है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हसन भाई सुनो, आप और एडम जब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से तकरीबन आपने 7-8 मिनट बात की, मैंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से आप बीच बीच में बोल रहे थे उस वजह से मुझे बीच में आना पड़ा। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं, एडम जो बोल रहे हैं, अगर एडम गलत है तो आप उसको गलत साबित करें, अगर आप सही है तो एडम आपको गलत साबित करे। एडम ने आपसे इस बात पे डिसएग्री किया है अभी फिलहाल कि आपने जो ये स्टेटमेंट मारी है कि वो जो जाहिर बंदा था ही वाज नॉट अ गुड लुकिंग मैन, ये आपने अरबी का स्टेटमेंट जहां से आपने ट्रांसलेशन की है वो बता दे प्लीज। ये तफसीर है इस हदीस की, अगर आप मतलब मैं भी मोबाइल पर हूं, अगर ये मैं तफसीर दिखा दें, इन्हें क्या तफसीर कर लेंगे आदम भाई, आदम भाई मैं आप सुने मेरी बात, सुनेंगे मेरी बात, सुनेंगे आप अभी मैं नहीं, एक एक मिनट, इसमें एडम दो चीज आ गई है सर, मैं तफसीर भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि तफसीर में लिखा हो कि अव्वल तो इसमें नहीं लिखा, इन्होंने साबित कर दिया, अगर तफसीर में लिखा है तफसीर भी दे दें, मैं वो भी मानने को तैयार हूँ एडम, लेकिन बात ये है कि पहले ये तो कह दे कि हदीस में नहीं है, अगर तफसीर में है तो फिर वो तफसीर पेश कर दे। बेहतरीन यार साहिल, ओके अब मैं बात कर रहा हूं, साहिल भाई आप म्यूट तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं करेंगे, हमको स्टेटमेंट चाहिए वो, चले यार मैं तफसीर करता हूं, मेरी आप मेरी अब मेरी स्टेटमेंट, आई विल मेक इट इजीियर फॉर यू गाइस, I'll make it easier for you guys. Please. मैं मेरी स्टेटमेंट को ना ले, मुझे आपने स्टेटमेंट बोली है, आपने कहा कि मैंने रिफ्यूट कर दिया, रुक जाएं, आपने कहा है कि मैंने रिफ्यूट, आपने कहा है कि मैंने रिफ्यूट कर दिया, गुड लुकिंग नहीं है, अगर आप ये स्टेटमेंट ना बोलते कि मैंने रिफ्यूट कर दिया, वापस ले ले स्टेटमेंट, वापस ले ले एडम स्टेटमेंट, ये वापस ले ले अपना, मैं कह रहा हूं गुड लुकिंग थे नहीं, गुड लुकिंग थे ना ना, आपने अभी ट्रांसलेशन करते हुए पढ़ते हुए आपने एक्सप्लिसिटली बोला कि एडम का ये क्लेम जो है ना वो मैंने वापस कर दिया, ही वाज नॉट गुड लुकिंग, ये आपने बोला है, आप बोले माफी मांग लें, सॉरी कर लें, एक्सक्यूज कर लें कि मैंने गलत बोला है, मैं एडम माफी, एडम माफी नहीं चाहिए यार, सिर्फ वो वापस ले ले अपना स्टेटमेंट बस। ओके फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। साहिल मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेने को तैयार हूँ, अगर ये अपना स्टेटमेंट अभी से 2-2.5 घंटे पहले जो उन्होंने ट्रांसलेशन की थी वो पहली हदीस की जो इन्होंने खुद पढ़ के बोला था और वो हैड को ही गॉबल कर गए थे क्योंकि he knew that what he's going to translate और उसको स्क्रीन से हटा दिया था। I don't want his apology, यहाँ पे मकसद आदम को नीचे दिखाना नहीं है। अरे हसन भाई कौन से स्टेटमेंट से आपको एतराज है आदम के? जब उन्होंने अभी से 2-2.5 घंटे पहले जब स्ट्रीम स्टार्ट की थी, उन्होंने जो पहले हदीस लगाई उसामा वाली, उसके अंदर इन्होंने कहा, जब ट्रांसलेशन खुद नीचे दिखाई थी उसके अंदर ट्रांसलेशन के अंदर भी लिखा हुआ था इफ उसामा हैड स्लेव गर्ल, वो गॉबल करके आप स्ट्रीम आराम से वापस करके देखिएगा इनकी स्टार्ट स्ट्रीम में। देखिए मकसद यहाँ पर ना मेरा आदम को नीचे दिखाना है, ना आपको नीचे दिखाना है, ना अपने आप को ऊपर दिखाना है। आई एम हियर टू डिफेंड द कैरेक्टर ऑफ माय प्रॉफिट, हदीस की छोटी जाने का जरूरत नहीं है। माय क्वेश्चन इज, इन्होंने इतना बड़ा, वो बंदा, ये बंदा गुड लुकिंग था या नहीं था पहले उसको बता दें प्लीज। मेरे हिसाब से मेरी ट्रांसलेशन में वो गुड लुकिंग नहीं था। ओके तो कौन सा अरबी का वर्ड है, कौन सा अरबी का वर्ड है, स्टेटमेंट की बुनियाद पे सामने खुली हुई, आप खोल लें, आप खोल लें, मैं आपको बताता हूं क्या सर्च करना है, लिंक दे दें आप अपने मोबाइल में, लिंक दे दें, मैं एक मिनट देख लूंगा, सब्र करें ले जी। दोस्तों भाइयों प्यारो देखो कितने मजबूर हैं ये लोग जो के कहते सर हैं सर हम मजबूर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आदम भाई, आदम भाई ये बात ना करो, अल्लाह के करम है, यू शट अप यार, आपको आपको इतना टाइम दिया बोलने का और मैं म्यूट था, चुप करके बैठा रहा हूँ। अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो यू हैव टू गिव मी द सेम कर्टेसी कि जब आपने पूरी हदीस अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन में पढ़ी मैं नहीं बोला, जब आपने खत्म कर ली उसके बाद में बोला, तो यू हैव टू गिव मी द सेम कर्टेसी कि जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ आप उस वक्त चुप कर दें। अगर आप ऐसी कर्टेसी नहीं दे सकते तो फिर दो इंसान नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बिकॉज आप पहले बंदे आए हैं जो कि बात करना चाह रहे हैं एटलीस्ट इस चीज के ऊपर, सो आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेकिन आपको जरा तहमुल करना पड़ेगा और गर्म तवे पे नहीं बैठना पड़ेगा। सो प्लीज, आप बोले थे मैं चुप कर गया था कि साहिल भाई ने मुझे चुप करा दिया था, मैं चुप कर गया था,
میں نے آپ کو بالکل پورا موقع دیا, اب آپ کو مجھے بھی موقع دینا پڑے گا. میں آپ کو واپس بیک سٹیج سے واپس لے رہا ہوں اور میں اب اپنی اسٹیٹمنٹ بولوں گا, پلیز اس میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا. اور بندہ بھاگ چلے گیا میرے خیال سے, he's gone. بندہ بھاگ گیا کیونکہ اسے پتا ہے اس نے جھوٹ بولا نا ساحل بھائی, پرابلم یہ ہے. وہ کہاں نہ اسٹیٹمنٹ نہیں بتا رہا تھا یار, یہ آئی مین اتنا ڈیسیونگ کوئی کیسے ہو سکتا یار. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وکانا تمیم, پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ 40 سال سے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو عربی آتی ہے, یہ مجھے ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چار لفظ یہ گوگل ٹرانسلیٹر پہ ڈال کے اس کی دو چار چیزیں عربی میں, اگر کسی جگہ چلے بھی گئے ہیں پچھلے 6-8 مہینے سے دبئی شبئی میں, انہیں 2-4 سینٹنس یاد ہو گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان 2-4 سینٹنس میں آپ ڈبیٹ نہیں کر سکتے. میں اسامہ ٹیک ڈاک کو لا سکتا ہوں ابھی ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے میں, اگر یہ عربی میں ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھاگ جائیں گے. کیونکہ جو سامنے لکھا ہوا ہے, جو نظر آ رہا ہے, وہ بندہ اس کو اگر جھٹلا رہا ہے, یہاں پہ لا نہیں ہے, یہاں پہ وکانا دمیمم, یہاں پہ لا دمیمم نہیں ہے, وکانا دمیمم ہے. ہینڈسم سٹرونگ باڈی والا جو بندہ گوگل ٹرانسلیٹ پہ ریلائے کرتا ہے ساحل بھائی, اس کے ساتھ کیا آپ کیسے کر سکتے. لیکن میں ان سے بات کرنا اس لیے چاہ رہا تھا, گوگل ٹرانسلیٹ میں بھی تو وہ نہیں بتا رہا نا جو یہ بتا رہا. واپس آگے ہاں بھائی واپس آگے. تو بھائی آپ نے میرا مدعا سن لیا, کیا میں اپنی بات کر لوں؟ اب یار اگر آپ نے دیکھیں ایڈم, آپ اپنی بات ضرور رکھیں, لیکن اف یو ار گونا یوز ورڈز لائک شٹ اپ اینڈ ایوریتھنگ, یار یہ پھر موضوع پہ وہ نہیں ہوگی ڈیبیٹ. I will do that. اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے, میں نے آپ کو فل ٹائم دیا because I understand this, I'm not here. دیکھیں اگر میں نے آپ کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت پورا ٹائم دیا ہے تو اب آپ کو میرا بھی جواب سننا. ونس اگین اگر آپ میرا جواب نہیں سنیں گے تو آپ آنسر کیسے دیں گے؟ سمپل. کدھر گیا؟ تو بھائی کا انٹرنیٹ کا مسئلہ چالو ہے, بہترین چالو ہے, بہترین لیول پہ چالو ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ. دیکھو یہ کہتا ہے کہ مجھے بولنے دو تو آگے سے آنسر نہیں دو. سہل بھی ایسے کیسے ڈسکشن ہوتی ہے کہ اگر آپ ہی بولتے جاؤ گے اور آپ آگے سے آنسر نہیں دینے دو گے کسی دوسرے کو. اور دوسری بات, جب آپ کو ایڈم سے پرابلم ہے تو ایک بندہ بیچ میں انٹروین بھی تو کر رہا ہے. اور آپ نے مجھے روکا, میں چپ کر کے بیٹھ گیا. سہل بھائی آپ نے کیسے, میں چپ کر کے بیٹھ گیا. ایگزیکٹلی. تو بھائی تم سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب تو دے دو. آپ نے سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں بتایا, دیٹ مینز کہ آپ اپنے مرضی سے بنا رہے ہو. میں نے تو یہ کہا تھا تفسیر میں بھی دے دو, وہ بھی نہیں دے رہا. کہاں سے لائے گا بھائی تفسیر؟